अभी अभी मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है कहां शुरू कहां खत्म। अब देखो इस वीक भाई साहब कोई भी मतलब उतनी फैमिली वाली मूवी नहीं आई जो आप फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो। अब योद्धा मूवी है भाई साहब वो फैमिली के लिए तो है नहीं, तो भाई मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए अच्छी है जो आप फैमिली के लिए अगर प्लान कर रहे हो भाई साहब फैमिली के साथ जाना चाहते हो देखने के लिए, ये मूवी आपके लिए बेस्ट मूवी हो सकती है। सच बता रहा इसके अंदर भाई साहब जिस तरीके से धावनी बंसाली ने जो एक्टिंग की है या भाई साहब आशिम गुलाटी ने जिस तरीके से एक्टिंग की है भाई वो चीज आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब देखो स्टोरी कोई एकदम बड़ी स्टोरी नहीं है या यूनिक स्टोरी नहीं है, वो पुरानी स्टोरी है कि भाई जब शादी से लड़की गायब हो जाती है अचानक से, उसके बाद से फिर लड़की लड़की वाले जो रहते हैं ना वो लड़के वाले के पीछे पड़ जाते हैं, तो ये टाइप की स्टोरी। अब देखो एक्चुअली में स्टोरी बताओ तो होता क्या है, जो यहाँ पर आसिम गुलाटी रहते हैं ना भाई उनका बचपन से सपना रहता है कि भाई कोई शादी में जाके वो इंजॉय करे, अपने आप को फील करे कि भाई हाँ मैं शादी में आया। तो अचानक से एक बड़े घर के शादी में ढुक जाते हैं जहाँ पर मीरा यानी कि धावनी बंसाली की शादी होती है, लेकिन वो शादी से खुश नहीं रहती है और अचानक से किस न किस तरीके से दोनों की मुलाकात होती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागने के बाद से यहाँ पर जो लड़की वाले रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, वो लोग उसकी खोज में यहाँ वहाँ जाते, फिर यहाँ पर आसिम गुलाटी की ईद दिखाई जाती है, फैमिली भी वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी होती है। तो भाई ये सारा कुछ जो जर्नी दिखाया जाता है किस तरीके से लड़का लड़की से मिलता है, लड़की वाले लड़के को खोजते हैं, फिर किस तरीके से मारपीटी जो भी होता है ना सारा कुछ, ये चीज़ जितना चलेगा स्क्रीन पर ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और 100% फैमिली फ्रेंडली है ये मूवी। और हॉल में बैठ के आप कुछ कुछ डायलॉग सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसने वाले, और भी बहुत सारे इसमें एक्टर्स हैं जिनको आपने बहुत पुरानी मूवी में देखा होगा लेकिन इस मूवी के अंदर भी उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है सच बताओ। और ये मूवी एक तरीका का हैप्पी एंडिंग वाली जो मूवी होती है ना कि भाई लड़की वाले जो रहते हैं लड़की वाले की फैमिली रहती है लड़के वाले से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है लेकिन लास्ट में सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है, आप भी अपने घर मस्ती में जाते हो। मूवी का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई साहब, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास है और कोई भी बकचोदी वाले गाने नहीं है, बस एक गाने हैं इस मूवी के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जितने भी एक्टर या एक्ट्रेस ने एक्टिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि भाई फैमिली के साथ कोई मूवी देखना है तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप जाके देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है भाई साहब। तो चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,